हेलो गाइस। तो गाइस यार, मैं आपको आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के टूर पे। वी आर गोइंग टू चैल, और एक ये ऑफिशियल टूर होने वाला है। लाइक 40-50 के आसपास लोग हैं एक साथ जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। ये आई आई कर रहा है। तो भाई लवी जी, मैं एक बार जब टूर पर जाता हूँ ट्राई करूँगा कि मैं कैप्चर करूँ कुछ चीज़ों को, ताकि मैं एक छोटा 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 मोटा ब्लॉग बना पाऊँ। अगर ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग करने लग गया तो क्या होगा कि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो भाई मैं तो हो गया हूँ पैक, एकदम फुल पैक हो गया हूँ। और अभी मैं हूँ द्वारका में, और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। सारी हमारी जो जितनी भी टीम है वो आज गुड़गांव में असेंबल होगी, और रात को 12 बजे हम चलने वाले हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव से मैं जाऊँगा बस में। जो भी बस कर रखी है उस बस में जाएंगे सब लोग। गाड़ी को खड़ी कर दूंगा मैं ऑफिस में। और आज है 7 फरवरी, इसमें रात के बज रहे हैं 10। 12 बजे के आसपास हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। फिलहाल मस्त एकदम विविध भारती पे गाने सुनते हुए गुड़गांव चलते हैं। तकरीबन 40 से 45 या 50 मिनट लग जाएंगे। बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। चलो फिर दिखाते हैं आपको। भाई फाइनली पहुंच गए हैं गुड़गांव, और यहां से हम जाएंगे सीधे चैल। पांडे जी का ब्लॉग चालू है, मेरा ब्लॉग चालू है। ये लोग अभी थोड़ा सा लाइट वाइट कम आ रही है, जब ये अपलोड हो जाएगा मैं सबको लिंक भेज दूंगा। ठीक है जी, चलो मिलते हैं रास्ते में फिर। अभी बज रहे सुबह के 3:15। अभी हम हैं एक बीच में कोई ढाबे हाईवे में, थोड़ा ऐसे ही चाय वाय पीने के लिए रुके हुए हैं। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से शायद हम रुकेंगे पानीपत पे, देखते हैं। ठंड अभी उतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है। थोड़ा बाहर सुबह के टाइम है, थोड़ा हवा तो लगती है। तो भाई हम एंटर कर चुके हैं हिमाचल में। शानदार पहाड़ दिख रहे हैं मेरे पीछे, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम वैलेंटाइन्स कैफ़े पर रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 7:15, और फिर चाय वाय पियेंगे, फ्रेश व्रेश होएंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को आगे के लिए। तो भाई फिलहाल मैं ले रहा हूँ कुल्हड़ वाली चाय, और सुबह सुबह का टाइम है। चाय के साथ जो मज़ा है वो पहाड़ों में ही है। शानदार, थोड़े बड़े बड़े पहाड़ और साथ में चाय, तो फिर क्या ही कहने। फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी में थोड़ा सा हरा हरा निकल गया। तो भाई ये देखो, देखो सबूत निकाल रहा है।
नाश्ता कर रही है तरन तारन तो गाइस ये है रिजॉर्ट हेमलेट चायल, काफी अच्छा है, ब्यूटीफुल। तो भाई मैं आपको देता हूँ होटल का टूर। ये है वॉशरूम, यहाँ नहाओ बढ़िया, गीजर उजर भी है शानदार। तो ये मैं हूँ। उसके बाद ये है रूम अपना, इस तरह से बना हुआ है, एकदम फैन भी लगा हुआ है, बट यहाँ फैन की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया बेड ट्विन शेयरिंग में, और यहाँ पर एक कबर्ड भी है जो इस तरह की है कुछ। यहाँ पे एक कंबल भी रखा हुआ है, एक शीशा ये है। स्कैन मी फॉर ऑर्डरिंग फूड, बहुत अच्छा। ये एक टीवी लगा हुआ है जो कि कोई देखता नहीं है। और ये है अपना, ये है अपना यहाँ से बाहर का व्यू भाई। दो चेयर लगी हुई है शानदार, और ये देखो सामने का नज़ारा, एकदम फ्रेश लुक, वाओ वंडरफुल। और गाइस ये देखो वो सामने आपको दिख रहा है जिसमें आपको बर्फ़ गिरी हुई है, शानदार नज़ारा है यहाँ से देखने के लिए, काफ़ी अच्छा। तो गाइस इस वीडियो में आपने देखा कि मैं चैल आ चुका हूँ, और मैंने आपको रूम का टूर भी दे दिया। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और बाकी आगे के कार्यक्रम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो तब के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.